100 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है ये रसाल। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी लापरवाह तुम कैसे हो सकती हो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हें अपना ख्याल रखने की बहुत जरूरत है, लेकिन छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा के और स्ट्रेस लिए जा रही हो। अरे अगर तुम्हारे बापू सा और शिवा का झगड़ा है तो ये उनका मैटर है, उनको लड़ने दो, तुम्हें बीच में घुसने की क्या जरूरत है। जिस तरह से पूरी रात तुम उनके झगड़े के बाद सो नहीं पाई हो, ऐसे में तुम्हें बुखार होना ही था। जरा सा बुखार ही तो है, क्यों बात बढ़ा रहे हैं? और कैसे परेशान ना हो, बापू सा गुस्से में उस औरत से ब्याह करने जा रहे हैं। मुझे बापू सा को रोकना ही होगा, वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगी तुम। अरे हालत देखो यार अपनी, चुपचाप करके यहाँ बैठो। नहीं समरसा, मुझे बापू सा को रोकना ही होगा। अगर नहीं रोका ना तो भाई सा और बापू सा के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी, और बापू सा फिर उस धूर्त औरत के जाल में फंस जाएंगे, और चकोरी मासा भाई सा और बापू सा के बीच की गलत फहमी का फायदा उठाएंगी। फाइन, तो मैं जो करना है करूं, लेकिन एक बात मेरी बहुत अच्छे से याद रखना कि तुम्हारे खून में अब तुम्हारे बापू सा और शिवा के खून के साथ साथ मेरा बच्चा भी शामिल है, और अगर इन दो आदमियों की वजह से मेरे बच्चे को जरा भी नुकसान आया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। समर साहब, मुझे माफ करना समर साहब, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। मुझे बापू साहब को रोकना ही होगा कि वो चकोरी माते से ब्याह ना करे, और भाई साहब को समझाना ही होगा कि वो बापू साहब को अपना ले। दो। अरे को बुखार है पता है, जाके आराम कर। नहीं बापू साहब, आप पहले मुझे वादा करिए कि आप चकोरी मासा से ब्याह नहीं करेंगे। ठीक है लाडो, मैं इस बारे में सोचूंगा, तू जाकर आराम कर। नहीं सोचेंगे नहीं, आपको अभी इसी वक्त फैसला लेना होगा, आप चकोरी मासा से ब्याह नहीं करेंगे। शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन हमें अच्छे से याद है कि उन्होंने कितना सताया है हमें। समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, मुझे थोड़ा समय दे, मैं सोचूंगा इस बारे में।